हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एच टेट, सी टेट या टीचिंग से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन एग्जाम्स में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें इंटेलिजेंस या बुद्धि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। और ये आप याद कर लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने दिया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार ऐतरप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। तो इसका संबंध है इदम से। ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, ये फ्रायड ने दिया था। और फ्रायड ने अपने सिद्धांत में ईद ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। उसके अनुसार जो इदम है, ये इसका जो संबंध है वो इच्छाओं के साथ होता है। और जो अहम है, इसको मन का शासक कहा जाता है, ये व्यवहार को नियंत्रित करती है। और जो सुपर ईगो है या परम अहम है, उसको उसका जो संबंध है वो नैतिकता के साथ होता है, वो मनुष्य को सामाजिक बनाए रखती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। तो बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता समस्याग्रस्त बालकों के सुधार में होती है, सर्वोत्तम बालक के चुनाव में, भावी सफलता के ज्ञान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है। यह कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट है, भूल भुलैया टेस्ट है। तो जो ये भूल भुलैया टेस्ट है, ये कैसा है? व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है। जो बुद्धि परीक्षाएं हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षाएं और सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं। जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षाएं होती है वो क्या होती है, एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाती है। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं होती है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सामूहिक यानी कि समूह की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए उपयोग की जाती है, वो सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं होती है। फिर इनको आगे फिर दोबारा से दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षाएं हैं उसके आगे जो पार्ट है वो है भाषात्मक बुद्धि परीक्षाएं और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाएं। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं हैं उसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो भी यही है, भाषात्मक बुद्धि परीक्षाएं और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाएं। अब जो भाषात्मक बुद्धि परीक्षाएं होती है वो बुद्धि परीक्षाएं होती है जिनमें की भाषा का उपयोग किया जाता है। इन जो पढ़े लिखे होते हैं उनका टेस्ट लेने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और जो दूसरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाएं होती है वो ऐसे लोगों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए उपयोग की जाती है जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि उपलब्धि होती है। तो ये होती है 140 से ऊपर। नेक्स्ट है, बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है। तो बिने के अनुसार बुद्धि में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना, ये सभी है। नेक्स्ट है, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थोर्नडाइक ने किया था। अब बुद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत है वो सिद्धांत किसने दिए थे, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन, तो आप उनको सभी को याद कर लेना। बुद्धि का जो एक तत्व सिद्धांत है उसको बिने ने दिया था। बुद्धि का जो द्वि तत्व सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। उसने माना था कि बुद्धि में दो तत्व है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। और जो बुद्धि का मल्टी फैक्टर थ्योरी है, बहुतत्व सिद्धांत, इसको थोर्नडाइक ने दिया था। और बुद्धि का प्राइमरी एबिलिटी थ्योरी, प्राथमिक योग्यताओं का जो सिद्धांत है, इसको थर्स्टन ने दिया था।
ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार बुद्धि में पांच मानसिक योग्यताएं शामिल होती है, जो कि है अंक योग्यता, स्थान योग्यता, कंठस्थ करने की योग्यता या याद रखना, अनुभव करने की योग्यता और समझने की योग्यता। नेक्स्ट है, बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? तो ये थी 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि नहीं है, तो इसमें से जो समाजमिति विधि है ये व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। तो कौन सी विधि है? रोशा टेस्ट, TAT और मनोअभिनय, ये सभी व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि है। नेक्स्ट है, मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो दार्शनिक है वो मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। जो मूर्त बुद्धि होती है वो क्या होती है? जो मूर्त बुद्धि होती है उसका संबंध मशीनों के साथ होता है। जिस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि होती है उसको मशीनों के काम में ज़्यादा रुचि होती है। जो गैरिट है उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, उनमें एक था मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार है। इसमें से जो अमूर्त बुद्धि होती है, तो जिसमें अमूर्त बुद्धि होती है उसका पुस्तकीय ज्ञान होता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और जो सामाजिक बुद्धि है, जिसमें सामाजिक बुद्धि होती है उसको सामाजिक कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, तो इसमें से जो आर्मी अल्फा परीक्षण है वो क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत का जनक है, तो ये दिया था बर्ट एवं वर्नन ने। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी विचार दिया, ये दिया था फ्रायड ने। नेक्स्ट है, अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है, तो अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण व्यवसायी नहीं है। बाकी जिसमें अमूर्त बुद्धि होती है वो चित्रकार होते हैं, कवि होते हैं या साहित्यकार होते हैं। नेक्स्ट है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक है, या 2 फैक्टर थ्योरी है, वो किसने दी है? ये दी है स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? तो गिलफर्ड ने सक्रिय उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है, परमापिकर्त परीक्षण है, तो वस्तुनिष्ठ, मौखिक और निबंधात्मक, ये सभी परमापिकर्त परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो मानसिक आयु का प्रत्यय है वो बिने ने दिया था। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है, तो यह है हस्तरेखा अध्ययन। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, तो शिक्षक निर्मित परीक्षण आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों ही होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है, तो बुद्धि परीक्षणों का जनक बिने को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो इसमें से मानसिक बुद्धि ये बुद्धि का प्रकार नहीं है, बाकी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये सभी बुद्धि के प्रकार हैं। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है, तो ये होती है 90 से और 110। गैरिट के अनुसार बुद्धि होती है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट है, समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है, तो उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो कैली ने बुद्धि को 5 खंडों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है, यह कथन है एलिस का। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है, स्टेनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो यह है 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप एच टेट, सी टेट या नेट जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।